फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआईएमटी यूट्यूब चैनल। एमपीएससी स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का टॉपिक हम लोग आज इंटरनल अप्रेजल और इंटरनल एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल अप्रेजल का मतलब, अप्रेजल का मतलब कि आप लोगों को इंटरनली चीजें चेक करना और उन्हें अप्रेज करना, रिव्यू करना। ठीक है, जितने भी आपके कंडीशन बैड हो सारे उन सब चीजों को दूर करना। ठीक है, और इंटरनल एनवायरनमेंट में आप लोग क्या एनवायरनमेंट चल रहा है, ठीक है, ओनर का ओनर की क्या थिंकिंग, क्या क्या काम चल रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयज की क्या थिंकिंग है, क्या काम चल रहा है, तो ये सब चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, बहुत ही इजी टॉपिक है आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट ये है आपका इंटरनल अप्रेजल। द स्ट्रेटेजी एनालिसिस ऑफ द फर्म वी कंसीडर द ऑब्जेक्टिव कंडीशंस विच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी ऑब्जेक्टिव आपकी कंडीशन होती हैं, वो आपकी जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सबको क्या करना, एनालाइज करना। ठीक है, द असेसमेंट ऑफ इंटरनल पोजीशन इज ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएटिंग द एंटरप्राइज कैपेबिलिटी इन द लाइट ऑफ इट्स रिसोर्सेज, सो वी शुड बी आवर सिचुएशन टू जज द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी। ठीक है, इस अपने रिसोर्सेज को, अपनी कैपेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को एनालाइज करने हैं अपने इंटरनल सारे फैक्टर्स। ठीक है, जिससे कि क्या हो, आपकी कंपनी को फायदा हो या फिर आप डे बाय डे ग्रो। ठीक, सो वी शुड बी इन अ सिचुएशन टू जज द ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटी इन द व्यू ऑफ इट्स रिसोर्सेज प्रोफाइल। अपने रिसोर्सेज को, प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए कैपेबिलिटीज को देखना। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ आर एक्सटर्नल अप्रेजल, अपने जितने भी एक्सटर्नल अप्रेजल के कॉन्सिक्वेंसेज है उन्हें भी ध्यान में रखना। टू डिसाइड व्हाट इफ ऑल टू बी जॉइन कंसीडरिंग द एनवायरमेंट इन विच इट इज ऑपरेटिंग, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप लोग किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एक ये बनाया है हमने ग्राफ, देखिए ग्राफ है आपका। ठीक है, तो आपको इसमें एनवायरमेंट अप्रेजल में क्या क्या देखना है, इंटरनल अप्रेजल में फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव कंडीशंस। ऑब्जेक्टिव कंडीशंस में आपका क्या क्या आता है, फाइनेंशियल एनालिसिस। क्या आता है, फाइनेंशियल एनालिसिस एक आपको देखना है। सब्जेक्टिव कंडीशन, सब्जेक्टिव कंडीशन में क्या आता है आपका, प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस के साथ आप काम कर रहे हैं वो सारा प्रोसेस इसमें आता है आपका सब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद फंक्शंस है। आप फंक्शंस अप्लाई करेंगे, नए फंक्शंस लगाएंगे तो क्या होगा, जब काम करेंगे एक्शन लगाएंगे तो मैनेजमेंट एनालिसिस में आपको क्या मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें आपकी कहाँ आती है, स्ट्रेटेजिक चीज सब आती है कि आप लोग फंक्शन लगा रहे हैं, उसे एनालाइज कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा, इस फंक्शन से कोई ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही। ठीक है, फिर आपकी स्ट्रेटेजी बनाएंगे उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, फिर न्यू स्ट्रेटेजिक पोस्चर आ जाएगा आपका और आप लोग क्या आएंगे, प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन से आप फिर क्या करेंगे, ये तो ये बेटा इस तरह से आपका मूवमेंट होती रहती है प्रेजेंट सिचुएशन से। फिर आप कोई ना कोई फंक्शन अप्लाई करेंगे, फिर न्यू कंडीशन पे आ जाएंगे, फिर न्यू स्ट्रेटेजी पे आ जाएंगे, फिर न्यू स्ट्रेटेजी से आप फिर प्रेजेंट पोजिशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर हर बार जितनी भी स्ट्रेटेजी चेंज करके आप एक्शन लेते हैं वो आपकी, ठीक है, दूसरी दोबारा चेंज करते हैं, क्या बन जाती है, तो ये एक सर्कल या फिर एक ही कहते हैं आपसे, आपस में क्या होता है, सब चीजें आपस में चलती रहती है। चेंज करेंगे फिर कुछ अच्छा होगा, फिर उससे बेटर फील होगा, फिर चेंज करेंगे फिर उससे बेटर फील होगा, फिर चेंज करेंगे तो स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम आपकी चेंज होती रहेगी। ठीक है, फॉर इंटरनल एनालिसिस टू बी इफेक्टिव द प्रोसेस मस्ट बी underpinned by a strategy you preferably in a creative manner which will allow multi-dimensional insights to be obtained। अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं आप, हमसे देख रहे हैं, क्रिएटिव मैनर में प्रेफर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो ये क्या आपका क्या मिलता है, आपका multi-dimensional insights आप लोग ऑब्टेन कर पाते हैं। ठीक है, कि हर तरफ आप लोग ध्यान दे पाते हैं अच्छे से। इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल अप्रेजल इज टू बी
फॉर्म की, ऐसा नहीं है कि आपने इंटरनली चेक किया है तो एक्सटर्नली आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। ये कह रहे हैं फॉर्म एज अ होल, पूरी फॉर्म की आप लोगों को स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चला। ओके क्लियर। Go to the next.
इन्फ्लेमेबल थी, बहुत जल्दी आग पकड़ ली, लगभग सामान का नुकसान हो गया। तो इन सब चीजों से बचने के लिए आप क्या करेंगे, इंश्योरेंस करा के रखेंगे। ठीक है, पेट्रोल है, पेट्रोल में नॉर्मल लॉस कितना होता है, क्या नॉर्मल लॉस होता है, जिस टाइम भरवाते हैं तब भी उठता है ना, और जिस टाइम निकालते हैं तब भी उठता है। ठीक है, हवा में उड़ जाता है ना, तो बेटा ये सब चीजें जो होती हैं आपकी, ठीक है, तो इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कल्चर में ठीक करने के लिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप लोगों को अटैच कर दी जाएगी विजिबिलिटी के, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे।